बात करेंगे इफेक्ट ऑफ पोस्चर चेंज ऑन ब्लड प्रेशर। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जब सुपाइन पोजीशन में हम लेटे होते हैं उसके बाद सडनली अगर हम स्टैंड करते हैं तो हमारे ब्लड प्रेशर में क्या चेंजेस आते हैं वो हम देखने जा रहे हैं आज के प्रैक्टिकल में। तो सबसे पहले जो है सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्ट करना है कि हम बीपी मॉनिटर करने जा रहे हैं और आपको पहले से लाइंग डाउन पोजिशन में बीपी मॉनिटर करेंगे फिर स्टैंडिंग में करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है पेशेंट जो है वो 5 मिनट रेस्ट कर चुका है। ठीक है, अब हम बीपी मॉनिटर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम पेल्पेट्री मेथड ही करेंगे यूज। पेल्पेट्री मेथड से हम बीपी मॉनिटर करेंगे, पल्स फील करेंगे और पल्स को पेल्पेट करके कफ इन्फ्लेट करेंगे। ठीक है, सिस्टोलिक से अराउंड 40 mmHg ज़्यादा इन्फ्लेट करेंगे। ठीक है, अब हम डिफ्लेट कर रहे हैं स्लोली और देख रहे हैं कि बीपी कितना है सिस्टोलिक वैल्यू। तो 110 जो है सिस्टोलिक वैल्यू है। ठीक है, बाय पेल्पेट्री मेथड। अब सेम हम करेंगे ऑस्कल्टेटरी मेथड से मेजरिंग ब्रेकियल आर्टरी। पेल्पेट किया मैंने और वहां पे चेस्ट पीस रख दिया है। ठीक है, और फिर हम दोबारा से वैल्यू ले रहे हैं बाय क्लोजिंग द वॉल। अब हम स्लोली डिफ्लेट करेंगे, हमें पता है सिस्टोलिक कितना है, उससे थोड़ा सा ज्यादा मैंने इन्फ्लेट कर दिया है। ओके, तो 108 वैल्यू मिली है मुझे सिस्टोलिक। ठीक है, एंड डायस्टोलिक मिली है मुझे 78। ठीक है, तो ये हमारी बीपी वैल्यू है। अब हम पोस्चर चेंज करने जा रहे हैं, सब्जेक्ट को मैं इंस्ट्रक्ट करूंगी पहले। ठीक है, आपको स्टैंड करना है सडनली। ठीक है, मैं बोलूँ 101 तो आपको बैठना है, 102 तो आपको लेग्स हैंग करने हैं, 103 तो आपको सडन स्टैंड करना है। ठीक है, फिर आपको सीधे खड़े रहना जब तक मैं बीपी मॉनिटर करूँ, तो आपको कफ अनटाई नहीं करना। ठीक है, अब आप रेडी हो जाइए बीपी मॉनिटर करने के लिए। ओके, एंड सब्जेक्ट को अब हम इंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, ओके, 101, 102, 103 क्विक। ठीक है, और ब्रैकियल आर्टरी पे आप अगेन चेस्ट पीस रखेंगे, फिर से वॉल क्लोज करेंगे। ये जो है ये जितना हो सके क्विक करना है, हमें वैल्यू का पता है सिस्टोलिक का। ओके, तो इसकी वैल्यू मुझे मिली है 102 डिवाइडेड बाय, और 102 इज द सिस्टोलिक वैल्यू। ठीक है, एंड 84 इज द डायस्टोलिक वैल्यू। ठीक है, इसको ऐसे ही स्टैंड करके रहना है और हमें टाइमर नोट करना है। ठीक है, ये बिल्कुल सीधा खड़ा रहना भैया आपको और सामने देखना है। ओके, इस दौरान ये हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपको बीपी चेंज देखना है हर मिनट में। अब हमें क्या करना है, ये इमीडिएट वैल्यू थी जिसे हम जीरो वैल्यू बोलेंगे। आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 2 मिनट, आफ्टर 3 मिनट, 3 मोर वैल्यूज आपको लेनी है टू सी द रिकवरी। ठीक है, तो स्टॉप वॉच मैंने ऑन कर दिया है। अब आफ्टर 1 मिनट आई एम टेकिंग अगेन द वैल्यू। ओके, तो ये जो वैल्यू होगी ये 1 मिनट वैल्यू होगी। तो आप पहले ही रेडी हो जाइए। ठीक है, स्टॉप वॉच में 1 मिनट होने वाली है। ओके, तो अब 1 मिनट हो गई है, अब मुझे फटाफट क्विकली दूसरी रीडिंग लेनी लाइक दिस। ओके, तो 104 बाय 82 जो है वो नेक्स्ट वैल्यू मिली है मुझे। इस तरीके से आपको दो और वैल्यू लेनी है टू सी द रिकवरी। तो इस तरीके से हम इफेक्ट ऑफ पोस्चर चेंज देखेंगे।